हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ प्रेस्टीज के एक प्रोडक्ट का, जो प्रेस्टीज का ये 2 बर्नर वाला एक गैस स्टोव जो आता है, इस ये ब्रांड के नाम से है, 2 बर्नर स्टोव, कुक टॉप नॉन स्टोव, और ये कंपनी ISI मार्क है। और मुझे इसके साथ 2 गिफ्ट भी मिले हैं, यानी कि एक तवा मिला है और एक फ्राई पैन मिला है, और मेड विथ प्राइड इंडिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट पे से खरीदा है, पैकिंग इसकी काफ़ी उधड़ गई है। जो कंपनी का नाम है वो स्टॉफ कार्ट लिमिटेड है, और जो है देखते हैं पैकिंग में क्या क्या है। इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो इसमें कोई भी उन्होंने वो नहीं लगाया है। ये तरह का कोई गारंटी कार्ड वगैरह नहीं है इसमें, मैंने इसमें पीछे बांधे हुए हैं। खोलने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसने अपने बर्नरों को भी बांधा हुआ है, और जो इसके ये होते हैं ये भी इन्होंने इसमें बांध रखे हैं। अच्छी की सहायता से काट लेता हूँ, कर दिए, ये मैं इसे बर्नर को खोल लेता हूँ। मैं आपको इसका सारा रिव्यू करवा देता हूँ। ये यहाँ पर जो है प्रेशर्ड ग्लास है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये प्रेस्टीज का यहाँ पे लोगो है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ से डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है इसका। बनने के लिए बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और ये इधर पाइप के लिए दे रखा है। पर अगर ये पाइप बीच में देती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरा जो सिलेंडर है वो मेरे लेफ्ट में रखा जाएगा। और ये इसके जो ये बर्नर हैं, ये ब्रास के हैं बने हुए, ये छोटा है और ये बड़ा है, और ये ऊपर के हैं जो कि देखने में काफ़ी ग्लोसी लगते हैं। उल्टा करके मैं आपको इसे दिखाता हूँ, तो पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं कि जो चूल्हों की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसके जो रबड़ है वो इसके लिए हैं, इसको रख देता हूँ। ब्रास के हैं, ग्लास काफ़ी अच्छा है, पर जो है आप गर्म चीज़ें इसके ग्लास पर ना रखें। ये इसमें दांत मतलब वो नहीं, ये इसमें ऐसे ही फिक्स हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं इसके इसके साथ आपको जो है कुछ गिफ्ट भी मिलते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से, इस टाइम सेल चल रही है उसमें खरीदा है, तो ये मुझे पड़ा है 2,100 रुपये, यानी कि 2,2100 रुपये। ठीक है, ये तवा है और ये फ्राई पैन है, पर इनकी क्वालिटी ठीक है, ठीक ही है, इतनी अच्छी नहीं कह सकते शायद, क्योंकि 2100 रुपये में और क्या क्या देंगे। बस ठीक ही है, ज़्यादा अच्छी आप क्वालिटी नहीं कह सकते। ये नॉन स्टिक है हालांकि, और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पीछे से आप देख सकते हैं। देखिए, और ठीक है, काफ़ी अच्छे चलेंगे। ये तवा है और इसका ग्लास, इस पर कोई भी आप गर्म चीज़ ना रखें जिससे कि वो ब्रेकेबल हो। 2100 रुपये में कोई भी डील ये बुरी नहीं है,
ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा चूल्हा है, मिलते हैं अगले वीडियो में।